और सीधे ले चलते हैं आपको एक बेहद खास कार्यक्रम में जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र संबोधित कर रहे हैं। और जिनकी आदरणीय श्री बाबूराम जी राष्ट्रीय महामंत्री हैं और जिनकी प्रेरणा से अशोक जी और उनका पूरा परिवार इस कार्यक्रम को भव्य स्वरूप प्रदान किया है, आदरणीय भाभी श्रीमती मानवती अग्रवाल जी और यहाँ विभिन्न प्रदेशों से और कई देशों से बड़े प्रमुख लोग हैं, कई लोगों को मैं जानता हूँ, इसमें कई विधायक भी हैं। हमारे राजीव बोरा जी, डॉक्टर राजीव बोरा जी विधायक लखनऊ वाले हैं, हमारे रविकांत जी हैं जो वैश्य समाज के बड़े प्रमुख लोगों में से हैं, हमारे अशोक अग्रवाल जी हैं, रजनीश गोयनका जी हैं, अनेक लोग हैं, नाम कई लोगों का लिया जा सकता है, राजस्थान के बंधुगढ़ तो ही हैं। सभी यहाँ आए हुए इस बैठक में भाग लेने वाली बहनें और सभी भाइयों, पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, पूरे देश और कई देशों से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए सभी लोगों का मैं राजस्थान प्रदेश का प्रथम नागरिक होने के नाते मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन के जो जन्मदाता रहे आदरणीय रामदास जी अग्रवाल, उनके नाम पर जो आज लोकार्पण हुआ है मार्ग का, व्यक्तिगत रूप से उनका मेरा बड़ा घनिष्ठ संबंध था और हम सब लोग कई विषयों पर विचार विमर्श भी करते थे, उसको कार्य रूप में परिणत करने का प्रयास भी करते थे। रामदास जी जल्दी चले गए, मैं उनको अपनी तरफ से हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे मित्रों ने बताया, गुलाब जी ने, हमारे कालीचरण जी ने और भी कई लोगों ने, रामदास जी सिद्धांत और संगठन दोनों के प्रति पूर्ण समर्पित थे। सिद्धांत तो लोग मानते हैं, वैचारिक दृष्टि से उस पर चर्चा भी करते हैं, लेकिन उस सैद्धांतिक पक्ष को आचरण व्यवहार में लागू करके प्रत्यक्ष रूप से लोगों के लिए एक अनुकरणीय स्थिति का निर्माण करना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। रामदास जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे,